बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने यहाँ पे ओरिजिनल ओरिएंट का 32 इंच का एलईडी टीवी ओपन किया हुआ है। हमने पिछले दिनों इसी एलईडी टीवी पर वीडियो बनाया था, जिसमें हमने इसके ओरिजिनल टीवी कार्ड को निकाल कर, जो कि डैमेज हो चुका था, डेड हो चुका था, हमने उसकी जगह पर यूनिवर्सल टीवी कार्ड इस एलईडी टीवी में लगाया था, एलवीडी कनेक्टर के कनेक्शन और उसमें सॉफ्टवेयर करके इस एलईडी टीवी को ऑन किया था। लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी बैक एलईडी लाइट्स जो हैं डैमेज हो चुके हैं, इसकी बैक एलईडी लाइट्स ऑन नहीं हो रही थी और हमने यहाँ पे इन्हें ओपन किया हुआ निकाला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें हर स्ट्रिप में दो दो तीन तीन एलईडी लाइट्स जो हैं डैमेज हो चुकी हैं। हमने यहाँ पे तमाम तीनों ही स्ट्रिप्स को ओपन कर लिया, निकाल लिया, उसकी जगह पर हम तीनों स्ट्रिप्स नहीं लगाएंगे। अगर आपके पास बैक एलईडी लाइट टेस्टर मौजूद है तो फिर आप इन एलईडी लाइट्स को इजीली चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एलईडी टेस्टर मौजूद नहीं है तो आप सिंगल सिंगल एलईडी लाइट को यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स पे रखेंगे तो सेंटर वाला एलईडी लाइट जो है वो सेंटर वाली एलईडी लाइट ऑन हो जाएगी। अब सिंगल सिंगल एलईडी लाइट को भी 5 वोल्टेज के चार्जर पर, नॉर्मल चार्जर पर चेक कर सकते हैं। इन एलईडी लाइट्स को चेक करने के लिए हमने कितने वोल्टेजेस देनी है और कैसे चेक करनी है, इस टॉपिक के ऊपर हमारे चैनल पर पहले से वीडियो अपलोड है, जिसका लिंक हम आपको ऊपर आई बटन में और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहाँ पर आप उस वीडियो को देख कर जान सकते हैं कि बगैर एलईडी लाइट टेस्टर के हम इन एलईडी लाइट्स को किस तरह से चेक कर सकते हैं। हम इन नई एलईडी स्ट्रिप्स को अपने एलईडी टीवी में एडजस्ट करके, इनके कनेक्शन करके, आपको नए यूनिवर्सल टीवी कार्ड जो कि हमने इस एलईडी टीवी में इंस्टॉल किया उसके ऊपर यहाँ पर आपको ओपनली ही ऑन करके दिखाते हैं। हमने यहाँ पे अपने कार्ड को पावर दे दी है और जैसे ही हमारा कार्ड स्टैंड बाई मोड से रिलीज़ होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी एलईडी लाइट जो हैं वो ऑन हो चुकी हैं। ये चाइना का यूनिवर्सल टीवी कार्ड है, ये इस ओरिएंट के ओरिजिनल 32 इंच का एलईडी टीवी कार्ड नहीं है, बल्कि ये चाइना का यूनिवर्सल TR83.816 टीवी कार्ड है जो कि हमने इस एलईडी टीवी में इंस्टॉल किया था और इसी के ऊपर अब ये बैक लाइट्स जो हैं हमारी ऑन हैं। दोस्तों, ओरिजिनल टीवी कार्ड की जगह पर यूनिवर्सल टीवी कार्ड को किस तरह से इंस्टॉल करना है, किस तरह से सॉफ्टवेयर उस टीवी कार्ड में इंस्टॉल करना है, इसके ऊपर भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, जिसका लिंक हम आपको ऊपर आई बटन में दे देंगे और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर LCDs, LEDs, कंप्यूटर्स की पावर सप्लाई, मदरबोर्ड्स के बारे में वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।